नमस्कार, मी शाहिद खेरडकर आपणा सर्वांचं स्वागत करतो. चिपळूणमध्ये 22 जुलैला आलेला महापूर आणि त्या महापुरामध्ये जी काही परिस्थिती निर्माण झाली ती अवघ्या जगाला परिचित आहे. मात्र या महापुरातून इथल्या लोकांना सावरण्यासाठी अनेक संस्था, अनेक संघटना, अनेक लोकप्रतिनिधी एकत्र आले आणि इथल्या लोकांना मदतीचा हात दिला. त्यामुळं चिपळूण हळूहळू आपल्याला सावरताना पाहायला मिळते. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी आपल्याबरोबर बोलण्यासाठी सुबाई जमेत अहले हदीजचे अध्यक्ष, मुंबईचे सन्माननीय शेख अमीर अब्दुल सलाम सल्फी हे आपल्याबरोबर आहेत, ज्यांनी पहिल्या दिवसापासून आजपर्यंत विविध स्वरूपाची मदत इथल्या चिपळूणवासियांनाच नव्हे तर महाड, खेड आणि चिपळूण या सर्वच पूरग्रस्त असणाऱ्या लोकांना मदतीचा हात त्यांनी दिलेला आहे. वेगवेगळ्या स्वरूपाची केवळ जीवनावश्यक वस्तूच नव्हे तर काही वस्तूसुद्धा त्यांनी दिलेल्या आहेत. पाहूया नेमकं त्यांचं कार्य कसं चालतं आणि कशा पद्धतीने त्यांनी इथल्या पूरग्रस्तांना मदत केली. आपका स्वागत है. क्या कहेंगे कि आपने किस तरह से यहाँ पर काम किया है? यहाँ चिपळूण में, इसी तरह महाड़ और खेड़ में फ्लड के बाद से ही सुबाई जमीयत अहले हदीस मुंबई रोशनी एजुकेशनल ट्रस्ट के साथ अपने पूरे सोर्सेज के साथ काम कर रही है. और पहले जो हंगामी ज़रूरियात थी उन हंगामी ज़रूरियात में भी जो कुछ तकाजे थे खाने पीने के, राशन के, दवाओं के, इसी तरह बिस्तर और दूसरी जो ज़रूरियात हो सकती हैं उन सारी चीज़ों में रोशनी ट्रस्ट के साथ सुबाई जमीयत अहले हदीस लगी हुई है. हमारे इस इदारा दावतुल कुरान व सुन्नत चिपळूण के इस सेंटर से भी चिपळूण में हमारा काम अल्लाह के फजल और तौफीक से, अपने भाइयों के ताउन से और यहाँ मकामी लोगों के ग्राउंड वर्क से अच्छा चल रहा है. हम इसको और बेहतर ढंग से और लोगों की आबादकारी में भी आज जुड़े हुए हैं. आज लोगों में किस तरह काम चल रहा है, हमारे सेंटर से रोशनी ग्रुप की मतलब के इश्तराक से और मकामी सेंटरों के हमारे मेंबरान के साथ उसका जायज़ा लेने के लिए हम कल सुबह ही महाड़ खेड़ होते हुए चिपळूण पहुँचे हैं. और अभी हम महाड़ का नए सिरे से हम थोड़ा सा तफसीली दौरा करेंगे अभी शाम तक. तो ये इसलिए दौरा कर रहे हैं कि हम पिछला जायज़ा ले सकें कि हमारा काम किस हद तक हुआ, कहाँ कमी रह गई, कहाँ और बेहतरी करने की ज़रूरत है और हम आगे क्या कर सकते हैं. अभी फ़िलहाल तकरीबन 400 कपाट जो मुतासिर और कमज़ोर फैमिली के लोग हैं जिनका सर्वे है रोशनी ग्रुप के हमारे मेंबरान के साथ, एक्टिव मेंबरान के साथ, मकामी तंजीमों की मतलब जिम्मेदारों के साथ, तो वो हम ये टारगेट पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं. दो दिनों से ही कपाट की तकसीम का भी काम चल रहा है. कुछ नकद, कुछ चेक और जो कुछ हमारे पास वसाइल हैं बिला किसी मजहब के तफरीक के हिंदू मुसलमानों के बीच में वो काम हम अपने इम्कान के साथ अपने रोशनी ग्रुप के साथ कर रहे हैं. आपकी जो सुबाई जमीयत अहले हदीस है कितने सालों से काम कर रही है? सुबाई जमीयत अहले हदीस ये हमारी यूनिट है, ये मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद की स्टेट लेवल की, स्टेट यानी महाराष्ट्र की. महाराष्ट्र में दो जोन हैं, एक सुबाई जमीयत अहले हदीस महाराष्ट्र है, दूसरा सुबाई जमीयत अहले हदीस मुंबई है. महाराष्ट्र को दो जोन में दो जमीयतें काम कर रही हैं. ये बहुत पुरानी है, ये हमारी 100 साल से ज़्यादा, 125 साल की मतलब जमीयत अहले हदीस की तंजीम है. और यहाँ काफ़ी दिनों से हम काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ तकरीबन 50 सालों से, मतलब मुंबई और मुंबई से लगे हुए थाना और कोकण के जो हमारे ज़िले हैं इन ज़िलों में काम कर रही है. इसका काम है रिलीजियस और ख़ालिस इस्लाम का तारुफ और चैरिटी के काम, पब्लिक के काम, क्योंकि हम इंसानियत की खिदमत को इस्लाम और अपने मज़हब की बहुत बड़ी बुनियादी तालीम और बहुत बड़ा बुनियादी समझ लीजिए तकाजा समझते हैं. तो इस एतबार से हम तो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और हालात रिलीफ के मुसीबतों में, मुश्किलात में जब भी कहीं भी हमारी हद तक पकड़ तक कहीं भी ऐसे हालात पैदा होते हैं वहाँ सुबाई जमीयत अहले हदीस मुंबई रिलीफ लेकर के अपने वसाइल के साथ वहाँ पहुँचती है. और अपने मकामी जो टीम होती है, हमारी यूनिटें जो होती हैं, हमारे जो सेंटर होते हैं उन सेंटरों से हम काम करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. तर त्यांनी आपल्या एकंदरीत संस्थेच्या माध्यमातून कशा प्रकारे काम चालतं, केवळ धार्मिक विचारांचा प्रसार नव्हे तर लोकांना मदतीचा हात देणं, लोकांचे संसार उभे करणं हे सुद्धा काम अत्यंत महत्त्वाचं गेले अनेक वर्ष या संस्था करत आहेत. आणि म्हणूनच पुन्हा एकदा चिपळूणवासींना मदत देण्यासाठी केवळ जीवनावश्यक वस्तू धान्यच नव्हे तर कपाट असतील किंवा इतर गोष्टी असतील किंवा काही लोकांना आर्थिक मदतसुद्धा
या संस्थेच्या माध्यमातून झालेली आहे, त्यामुळेच अनेक जे गरजू लोक आहेत, जे दुर्बळ घटक आहेत, त्यांना एक मदत मिळते आणि ते लोकसुद्धा या सगळ्या दुःखातून सावरण्याचा प्रयत्न करतात. तूर्तास आपण या सर्वांचे आभार व्यक्त करूया. मी शाहिद किरटकर, धन्यवाद.